ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीएचक्यू से बाहर आया। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बयान भी दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपने बयान में कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर के चलते हिंसक घटनाएं हुई हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। तो वहीं आरिफ मसूद का सरकार पर सीधा आरोप। आरिफ मसूद ने अपने बयान में कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार प्रायोजित दंगे करा रही है। अरुण यादव ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। वहीं इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर के चलते हिंसक घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, जिन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार प्रायोजित दंगे करा रही है।